हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल सी बी एस ई प्लस फ़ॉलोड इन कंट्रीज़, मॉडर्न प्लस इस्लामिक एजुकेशन फाइव स्टेप एक्टिविटी बेस्ड एंड प्ले मेथड लॉन्चिंग सेपरेट ब्रांचेस नाजरीन, आप सबका इस्तेटीन तेलंगाना न्यूज के खास खबरनामे पर आज सोलह अगस्त मंडी का दिन है आइए नाजरीन देखते हैं आज का खास खबरनामा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना तैयार है कोरोना वायरस की तीसरी लहर का सामना करने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने संडे के दिन कहा कि तेलंगाना रियासत में कोरोना वायरस के केसेस काबू में हैं और तेलंगाना हुकूमत पूरी तरह से तैयार है कोविड नाइन्टीन की तीसरी लहर का सामना करने योम आजादी के मौके पर सीएम के सी आर ने बयान देते हुए कहा कि कोविड नाइन्टीन काबू में है तेलंगाना रियासत के आवाम सतर्क रहना जरूरी है कोविड नाइन्टीन से और तमाम कोविड नाइनटीन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना लाजिम है उन्होंने कहा तेलंगाना हुकूमत जल्दी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तामीर करने वाली है और उसका नाम होगा तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस टीआईएमएस रखा जाएगा जी जमसी हदूद के चारों तरफ ये हॉस्पिटल तामीर किए जाएंगे पहला टीआईएमएस हॉस्पिटल गचीबोली के पास चल रहा है और तीन हॉस्पिटल्स एलवी नगर और अलवाल और सनत नगर में बनाया जाएगा तेलंगाना मिनिस्टर के टी रामा राव ने अफ़गानिस्तान के हालातों पर यूनाइटेड नेशन से सवाल किए उन्होंने कहा कि कहाँ है यूएन? क्योंकि इन हालातों में जिम्मेदारी बनती है यूनाइटेड नेशन की अफ़ग़ानिस्तान के हालातों को काबू में करने उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान की खबर सुनकर वहाँ के हालात देखकर बहुत अफसोस हो रहा है उन्होंने तो ट्वीट था था करते हुए अफ़गानिस्तान के शहरियों को मजबूत बनने की अपील की है तेलंगाना रियासत में पिछले 24 घंटों में 406 लोग कोविड 19 से मुतासरीन दर्ज किए गए और तीन लोग की मौत वाकई हुई कोरोना वायरस से मुतासर होने पर फ़िलहाल तेलंगाना रियासत में एक्टिव केसेस सात हज़ार तिरानवे हैं और जी एच एम सी हदूद में पिछले चौबीस घंटों में सैंसठ केसेस दर्ज हुए मिर्चल मलकाजगिरी में चौबीस केसेस दर्ज किए गए पिछले चौबीस घंटों में और रंगा रेड्डी में उन्नीस केसेस दर्ज हुए हैं पिछले चौबीस घंटों में टी आर एल मई नाम पल्ली हनुमंत राव और बीजेपी कारपोरेटर वी श्रावन पर शिकायतों के तहत उन पर केसेस दर्ज किए गए टी और बीजेपी दोनों पार्टी पर केसेस दर्ज हुए हैं इंडिपेंडेंस डे के के मौके पर पर एक दूसरे हमला करने जुर्म में केसेस दर्ज हुए बीजेपी कॉरपोरेटर वी श्रावन ने पुलिस से शिकायत करते हुए कहा कि यौम आजादी के मौके पर उन पर बियर बॉटल से हमला किया गया मलकाजगिरी जी ऑफिस पर जिसके सब वो शदीद जख्मी हो गए थे इस शिकायत के तहत टी आर राजगिरी एमएलए एम हनुमंत राव और दिगर पंद्रह पार्टी मेंबर्स पर केसेस दर्ज किए गए डीसीपी वेस्ट जोन की निगरानी में हैदराबाद सिटी पुलिस और पंजागुटा पुलिस ने मिलकर एक शख्स को गिरफ्तार किए जिसका नाम चुनचू प्रवीण उर्फ तेजा उर्फ कल्याण उर्फ प्रभु कुमार से की गई बताया जा रहा है कि प्रवीण कैमरे की चोरियां किया करता था जिसके कब्जे से 11 कैमरा जब्त कर लिया गया